इस कमरे में एक साया रहता है ऑफिशियली मेरे हस्बैंड है, क्योंकि घर के बाहर इस समय कैमरास हैं तो वो बाहर नहीं आएंगे। ऐसे बोलते हैं, कह रहे मैं एक शर्त तो बाहर आऊंगा अपने फ्रूट लेने, पहले कैमरा हटाओ मेरे कमरे के बाहर से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ शरण सवानी और आज है हमारे ब्लॉग का डे टू। अभी सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये स्मूदी बनाते हैं। और मैं जेन्युइनली बता सकती हूँ कि ये स्मूदी बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड टू गुड है इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एंड इवन इफ़ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो वहीं हम इसमें क्या क्या डालते हैं आप प्लीज़ एक बार बता दो। इसमें अनार है और सेब है और आंवला है, उसके बाद ये चुकंदर है, स्ट्रॉबेरी है और इसमें हम पानी डालते हैं। अगर मैं पानी डालती हूँ पर्सनली, इसमें आप दही भी डाल सकते हो पर वो थोड़ा सा थिक हो जाता है तो पीने में कभी कभार अच्छा नहीं लगता। और नहीं तो बेस्ट अगर आप नारियल पानी डाल लो तो उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं है। इसको छानना बिल्कुल नहीं है, वैसे कई कई लोग क्या करते हैं कि छान के पी लेते हैं। छान के पीने से हमारा सारा फाइबर निकल जाता है। ये जूस बन के रेडी है, मैं एक शॉट में पीती हूँ जूस, क्योंकि मुझे हर चीज़ में छोले भटूरे का टेस्ट ही अच्छा लगता है जो इसमें आता नहीं है। तो मेरे को होता है कि 1 2 3 Cheers। इतनी अच्छी हवा चल रही है और आज घर में हमारे घर में बन रही है लंच में आलू पूरी। अब वो मैं बनाऊंगी या माही बनाएगी वो डिपेंड करता है कि आज हमारे को कितना काम है उस पर। और अदरवाइज जब मौसम थोड़ा वैसा होता है, हमारे घर में सनलाइट नहीं आती तो मैं छत पे जाकर आराम से धूप में बैठती हूँ, जो आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा। बट अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बैठने में मज़े लिए जाए। बहुत सारे लोगों के अपने अपने बिलीव्स होते हैं, ऑफकोर्स लाइक मेकअप का अपना एक काम होता है, बट मुझे लगता है कि होम रेमेडीज से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। दुनिया जहान के मतलब सर पे अंडा दही और तेल और पता नहीं क्या क्या, आई थिंक तभी मतलब उसके मुझे अभी भी फायदे मिल रहे हैं कि मेरे बाल लंबे हैं, ठीक है, अच्छे हैं। तो मैं अभी भी फॉलो करती हूँ तो मुझे लगता है कि 2 मिनट लगते हैं। थोड़ी सी दही, अगर आप इसमें शहद और हल्दी डाल दो बेसन के साथ तो वो और अमेजिंग हो जाता है। अब जैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो बस मैंने फटाफट जैसे ही दही लगाई, अब इसको 2-3 मिनट रख के हल्का सा जैसे सूख जाए उसके बाद जस्ट वॉश, और उसके बाद हो गई मैं गोरी गोरी। इस कमरे में एक साया रहता है जो कि टेक्निकली ऑफिशियली मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन क्योंकि घर के बाहर इस समय कैमरास हैं तो वो बाहर नहीं आएंगे। ऐसे बोलते हैं, कह रहे मैं एक शर्त तो बाहर आऊँगा अपने फ्रूट लेने, पहले कैमरा हटाओ मेरे कमरे के बाहर से। ये हमारी मांगी स्पेशल चटनी, पराठा, मोमोज, दाल चावल सब अधूरा है। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाए गोभी के पराठे और इसमें हमने लगाया घर का घी। तो जो लोग भी ये वाले कंसर्न्स रखते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, हम मोटे हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी वेट जो है, जो जितना मैंने सुना है, इट डेफिनेटली गोज अवे अगर आप अच्छा खा रहे हो और आप हेल्दी खा रहे हो और जो मन है वो खाओ। मेरे को लेक्चर कोई देता है तो मैं परेशान होती हूँ, तो मुझे लेक्चर देना भी नहीं है, मेरा सिंपल सा वो है जो मन करे वो खाओ। और जब एक बारी बेबी हो जाएगा देन ऑफ कोर्स हम आगे की जर्नी शूट करेंगे, जिसमें मेरा बिलीव ये पर्सनल है कि यार हम खाने, आई लिव टू ईट। मेरी मम्मी ने बनाया गाजर का अचार और ये भी हेल्दी है, इसमें कोई विनेगर या कुछ उल्टी सीधी चीज़ नहीं है। इसमें हींग का पानी, राई और हरे लहसुन से बनता है, सिंधियों को पता होगा क्योंकि ये सिंधी स्पेशल अचार है। कल हमने खाया था पिज़्ज़ा और चाउमीन, लेकिन वो कितना हेल्दी था और वो कैसे हेल्दी था, क्योंकि वो थे मिलेट नूडल्स और पिज़्ज़ा था रोटी पे बनाया हुआ। कि आप रोटी को थोड़ा सा मोटा अगर बेल के उसको थोड़ा सा सेक दो तो घर पे जैसे पिज्जा वाइस टाइप का तैयार हो जाता, तो मैं एंड आई थिंक यही करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप पूरे टाइम मैदा खाओगे और पूरे टाइम आप तला हुआ खाओगे तो फिर नहीं। मेरे ऐसे बुद्धू बना देते, मैं कुरियर वो कर रही थी, बुक कर रही थी नॉर्मल गूगल से, और उसने मेरे को पता नहीं कुछ तो बोला कि आप ऐसे करो, तो मेरे पहले उसके पास 50 रुपए कुछ कटे, फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि अरे सॉरी ऐसे करो मेरे 5,000 कटे,
फिर उसने मुझे बोला कि तो मैं पागल हो गई, अब मैं सिंधी हूँ, मेरे को तो 5,000 भी ऐसे लगते हैं जैसे 50 लाख हो। तो उसने एक लिंक दे दिया था कि आप एक, और वो मेरे को ऐसे बोल रहा था कि मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ मैं आपके पैसे नहीं लेना चाहता था। पर जब उसको किसी के फोन आते ही नहीं तो क्यों करा रहे। हाँ पर ये बंदा बुद्धू बना रहा, तब समझ में आ गया। मैं यूपी से बात कर रहा हूँ, जिला गाजीपुर, और यहाँ पे जो है फ्रॉड हुआ है, आप हमारी सहायता कर देंगे तो। हाँ मुझे कहता है आसपास के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर सबमिट कर दो, कुछ तो बोल रहा था। आलू पूरी बन रही है के नाम पे अंदर भी मस्त डांस पार्टी और किकिंग शुरू हो गई है। तो एंड ऐसा ऑब्वियसली सबको, मतलब जो मम्मी बन चुके हैं उनको पता होगा, और जो बनना चाह रहे हैं वो बता दो, बहुत नॉर्मल है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए, बस ऐसे हाई फाइव कर लो। थैंक्स यार। मुझे पर्सनली आलू पूरी में हल्का सा सौंफ का फ्लेवर पसंद आता है, तो मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी सौंफ उसमें। हमने सबसे पहले लिया घी, घी में हमने डाला जीरा, फिर हमने डाली थोड़ी सी सौंफ, फिर हमने डाली थोड़ी सी हींग, और अब हम इसमें हर लहसुन हुआ ना, तो आप टमाटर छोटे छोटे काट भी सकते हो, आप प्यूरी भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो आप ऐसे कर सकते हो। अब हम इसमें कम से कम 4-5 टमाटर और काटेंगे, और फिर उनको इसके साथ अच्छे से पकने डाल देंगे, बाकी सामान हम बाद में डालेंगे। अभी माही मेरे को टमाटर काट देगी फटाफट। नमक ठीक है और नहीं ना। तो इस तरीके से काम, घर, कुकिंग, वीडियो शूट, ब्लॉग सब साथ साथ चलता रहता है। अब जब तक टमाटर गलेगा तब तक मैं बाहर जाके जो मैंने स्क्रिप्ट के पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं उस पर काम करूँगी, अपनी स्क्रिप्ट बनाऊँगी, क्योंकि फिर शाम को हमें आलू पूड़ी खाने के बाद शूट भी करनी है। और स्क्रिप्ट में मैं क्या लिखने वाली हूँ ये मैं बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैं स्क्रिप्ट में क्या लिख रही हूँ तो उसके लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, जिसका आईडी है shirin_sevani। और अगर पूरा ब्लॉग देखना है कि हमने क्या शूट करा था तो पहले सब्सक्राइब, हमें डिस्टर्ब मत करो, मेरे को लिखने। तो खाना तैयार है, ये हमने बनाई आलू की सब्जी, ये हमने बनाई है पूरी, और ये पूरी भी मल्टीग्रेन आटे की बनी हुई है जो मेरी मम्मी घर पे पीसती है। हमारे घर में चक्की है और हम उस चक्की में आटा पीसते हैं जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स मिक्स्ड होते हैं। वो क्या है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर मम्मी आएंगी तो मैं उसको बोलूँगी कि वो बताएंगे। और ये हमारी माही स्पेशल चटनी, अभी हमारे पास आएगा हमारा गाजर का अचार जो हमने ब्रेकफास्ट में भी खाया था। एंड तो आज मैंने आप लोगों के साथ शूट करा अपना day 2 ब्लॉग का, और जिसमें हमने आलू पूड़ी खाई, ब्रेकफास्ट किया, शूट किया, बहुत सारी बातें शेयर करी। जैसे कि मैंने बोला था कि आपकी बॉडी आपको साइंस देती है कि कब आपको सोना है, कब वो थक गई है, तो मेरी बॉडी अब बहुत थक गई है। दवाई ले ली, पानी पी लिया, मस्त घूम फिर के आ जाए। आज हमने बढ़िया डिनर करा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अब आराम से हम चले सोने, कल मिलेंगे और day 3 पे, और कल आपको बताएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शिरिन सेवानी, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हो इसी नाम से, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे shirin_sevani पे प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं। गुड नाइट, टेक केयर एंड जस्ट बी हैप्पी।